कैसे हैं दोस्तों आप लोग, आज बात करने वाले हैं गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च हुआ है, मतलब इसको अगर गेमिंग स्मार्टफोन्स का बाप कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेड मैजिक 7 प्रो की। बहुत जबरदस्त स्पेसिफिकेशन, इसमें गेमिंग चिप अलग से दी गई है, एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है। रैम और स्टोरेज तो भाई साहब टॉप मोस्ट आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर भी इसमें देखने के लिए मिलता है। यही नहीं दोस्तों, बहुत कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही नहीं दोस्तों, इसको गेमिंग फोन्स का बाप कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आज बात करेंगे इसकी डिटेल में। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ड्राइव टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं रेड मैजिक 7 प्रो की। दोस्तों जैसा आपको पता है, अगर गेमिंग फोन्स की बात करें रेड मैजिक का नाम टॉप 3 कंपनीज में आता है। यहाँ पे दोस्तों इस स्मार्टफोन में अगर ग्लिम्स की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का प्रोसेसर मिलेगा, एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप रेड कोर 1 देखने के लिए मिलेगी, 16GB 512GB स्टोरेज मिलता है, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसके डिटेल में स्पेसिफिकेशन की अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके डिस्प्ले में नजर डालते हैं तो 6.8 इंच का फुल एचडी एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और दोस्तों यहाँ पे 960 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडर द हुड यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कैमरे की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। यही दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया इसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पे डेडिकेटेड एक गेमिंग चिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है रेड कोर 1 की। और दोस्तों इसमें आपको एक बुल्ट इन फैन दिया गया 20,000 RPM का, जो इसको टंडल टंडल कूल कूल रखेगा। यहाँ पे RGB लाइटिंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, मतलब फुली यार यहाँ पे समझ लीजिए जो डेस्कटॉप आप 3-4 लाख रुपए देके बनवाते हैं, पूरा कॉम्पैक्ट करके एक छोटा सा आपके हाथ में आ गया, फुल वो फीचर्स और फुल तगड़े गेमिंग आप इस फोन में कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टोरेज और रैम, जैसा मैंने बताया आपको 16GB की यहाँ पे रैम मिलने वाली 512GB स्टोरेज के साथ, और ये एंड्रॉइड 12 के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी और फीचर्स की इसमें बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों ये ड्यूअल शोल्डर ट्रिगर्स के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, DTS बैक ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने के लिए मिलेगा, 3 माइक मिलते हैं, वाईफाई 6 देखने के लिए मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटर भी दोस्तों इसमें देखने के लिए मिलता है। मतलब कमाल का फोन है दोस्तों, ऑल इन वन एक कॉम्बो आपको दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ग्लोबली ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इसका प्राइस दोस्तों रखा गया है 47,999 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज में इतना सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों बहुत ही कमाल का गेमिंग फोन है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।